आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है और उसके जो फेवरेबल जो घटनाएं थी उनका स्पष्टीकरण हमने पढ़ा था। आज हम लोग उसको कहाँ अप्लाई कर सकते हैं ये पढ़ेंगे। सबसे पहला है नाभिक में इलेक्ट्रॉनों का अस्तित्व। सबसे पहले हम लोग ये मान लेते हैं कि जैसे कोई नाभिक है उसकी जो त्रिज्या है वो 5 फर्मी की कोटि की है। नाभिक में इलेक्ट्रॉनों का अगर अस्तित्व माना जाए तो जैसे नाभिक है और उसकी त्रिज्या है 5 फर्मी की कोटि की, ठीक है। 1 फर्मी जो होता है वो 10^-15 मीटर के ऑर्डर का होता है। तो कोई नाभिक है जिसकी रेडियस क्या है 5 फर्मी की कोटि की है या ऑर्डर की है, तो अगर उस नाभिक में इलेक्ट्रॉनों को मानेंगे तो उसकी स्थिति में अनिश्चितता जो है वो प्लस माइनस नाभिक की त्रिज्या, जैसे प्लस इस डायरेक्शन में और माइनस इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो उसके बराबर तो होनी चाहिए, यानी कि उसके तो उसकी जो स्थिति में अनिश्चितता है यानी कि डेल्टा एक्स वो क्या होगी 5 फर्मीमीटर के बराबर होती है, ठीक है। क्योंकि नाभिक के अंदर मानेंगे तो नाभिक के अंदर ही वो अनसर्टेन रहेगा, कहीं ना कहीं होगा, तो उस रेडियस के अंदर ही उस सर्किल के अंदर ही वो इधर उधर कहीं भी हो सकता है, ठीक है। वो तो चारों डायरेक्शन में जैसे सेंटर पॉइंट से मानेंगे तो 5 फर्मी ही रहेगा उस नाभिक के अंदर अंदर। तो फिर उसके बाद अगर मान लीजिए स्थिति में अनिश्चितता ये है और हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से इलेक्ट्रॉन के संवेग में न्यूनतम अनिश्चितता, तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से डेल्टा एक्स और डेल्टा पी एक्स इज इक्वल टू और ग्रेटर देन क्या होता है एच कट बाई 2 होता है, जैसे इसने इक्वल टू का साइन ले लिया है तो ओके है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास डेल्टा एक्स है और हम लोगों को क्या निकालना है डेल्टा पी। एच कट की वैल्यू क्या होती है 1.054 × 10^-34 × 2 और डेल्टा एक्स का मान क्या है 5 फर्मी। तो इस तरीके से उसके मोमेंटम के अंदर जो अनसर्टेनिटी आएगी वो ये होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनों का न्यूनतम, ये न्यूनतम अनिश्चितता है, ठीक है, तो न्यूनतम अनिश्चितता है तो न्यूनतम संवेग पी उसके अनिश्चितता के बराबर तो होना ही चाहिए, यानी कि ये ऐसे कहना चाहता है कि हमने अनसर्टेनिटी निकाली है 1.054 × 10^-20, तो मिनिमम अनिश्चितता है, तो मैक्सिमम तो कितनी भी हो सकती है, ठीक है, वो पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो मिनिमम अगर ये है तो उसके मोमेंटम की मिनिमम वैल्यू तो इसके बराबर हो सकती है ना, इसलिए हमने पी मिनिमम क्या लिख लिया है 1.054 × 10^-20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो आइंस्टाइन के रिलेटिविस्टिक मास एनर्जी फॉर्मूले का हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ किया है, आइंस्टाइन के आपेक्षिकीय संवेग ऊर्जा संबंध का, ई मिनिमम इज इक्वल टू रूट पी मिनिमम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। इसमें एम नॉट सी स्क्वायर रेस्ट मास एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की, तो इसमें रेस्ट मास और सी का मान रख देते हैं तो ये 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है, और आप चाहो तो इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो मास और सी की वैल्यू रख करके। और गतिज ऊर्जा के ये जो रेस्ट मास एनर्जी है वो गतिज ऊर्जा की तुलना में नगण्य हो तब क्या होता है, ये जो है पी मिनिमम स्क्वायर सी स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4, यदि इतना बहुत ज़्यादा है तो फिर आप इसको रिमूव कर सकते हो, तो ई इज़ इक्वल टू क्या आ जाता है पी मिनिमम सी। तो ई मिनिमम का मान क्या आता है 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी मिनिमम एनर्जी है, उस इलेक्ट्रॉन की जो नाभिक के अंदर है, ठीक है। तो नाभिक के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन अपना अस्तित्व बनाए हुए है और उसकी ऊर्जा क्या है 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन क्या होता है प्रयोगों द्वारा ये सिद्ध हुआ है कि जैसे बीटा डीके और ऐसी घटनाएं होती है, बीटा डीके एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन का डीके ही तो होता है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का, तो जब बीटा डीके होता है तो इस तरीके के जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो उनकी ऊर्जा जो होती है 2 या 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा नहीं होती है। तो ये 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के साथ कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक में है, ये बात दोनों जो है वो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना इन दोनों बातों में, कि कॉन्ट्राडिक्शन कैसे, हमने माना कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में है
और उसे मानने से हम ये कह रहे हैं कि उस इलेक्ट्रॉन की, उस नाभिक में मिनिमम एनर्जी 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इतनी ज़्यादा एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 और 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के साथ डीके होगा, हो नहीं सकता। तो बीटा डीके में तो हमें इतने ही एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन मिले, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक में नहीं रह सकता। नाभिक में इलेक्ट्रॉनों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमने किसकी हेल्प से प्रूव किया? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से। नाभिक में इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व मानकर जब उपरोक्त अनुसार इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम ऊर्जा की कोटि की गणना करते हैं तो ई मिनिमम जो है वो 220 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। और कई बार काम चलाऊ डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज अप्रॉक्सीमेटली एच, तो ये तो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि ये अप्रॉक्सीमेटली और इस साइन का मतलब है कि एच के ऑर्डर का, ऑर्डर मतलब 10^-34 जूल सेकंड का, ठीक है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन परमाणु की मूल स्तर की ऊर्जा, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी। अब हाइड्रोजन परमाणु जो है उसको आप मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन की स्थिति में r दूरी तक की अनिश्चितता होती है, अर्थात प्रोटॉन को केंद्र मानते हुए r त्रिज्या के गोले में इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है। प्रोटॉन यानी कि नाभिक, अब हाइड्रोजन जो होता है उसके अंदर एक ही प्रोटॉन होता है, ठीक है। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो नाभिक में सिर्फ एक प्रोटॉन है, उस प्रोटॉन को सेंटर मान करके एक आर रेडियस का गोला खींच देते हैं, उस गोले के अंदर वो इलेक्ट्रॉन जो है वो कहीं भी हो सकता है, ठीक है। जैसे ये प्रोटॉन है, इससे आर रेडियस का गोला खींचेंगे तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो कहीं भी हो सकता है आर डिस्टेंस पे। तो उसकी स्थिति में अनिश्चितता क्या हो गई? आर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू आर। और हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से इलेक्ट्रॉन के संवेग में अनिश्चितता डेल्टा पी इज अप्रॉक्सीमेटली एच कट बाई आर। यहाँ पे देखो 2 नहीं लिखा इसने, एच कट बाई 2, इसलिए ये साइन जो है वो क्या लगाया है? अप्रॉक्सीमेटली वाला लगाया है। चूँकि इलेक्ट्रॉन के संवेग में अनिश्चितता एच कट बाई आर के कोटि की है, अतः इलेक्ट्रॉन का संवेग जो है कम से कम इस अनिश्चितता की कोटि का होना चाहिए। अब ये इलेक्ट्रॉन के संवेग में जो अनिश्चितता है, तो मिनिमम जैसे हम लोग बात करें तो उसका संवेग एच कट बाई आर के बराबर तो होना ही चाहिए, जैसे हमने लास्ट में, लास्ट इससे पहले वाले टॉपिक में किया था। तो पी जो है कम से कम उसका संवेग इस अनिश्चितता के बराबर तो हो ही सकता है। तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा क्या होती है? पी स्क्वायर बाई 2m। तो पी क्या है? एच कट बाई आर, तो एच कट स्क्वायर बाई 2m आर स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन की स्थिति ऊर्जा, तो इलेक्ट्रॉन की स्थिति ऊर्जा माइनस के ई स्क्वायर बाई आर। ये जैसे बहुत बार करते हैं वैसे तो, पर एक्चुअली जैसा क्या होता है, यहाँ पे प्रोटॉन है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये एक दूसरे से आर दूरी पे है। तो इस स्थिति पर इलेक्ट्रॉन को बने रहने के लिए आवश्यक जो पोटेंशियल एनर्जी है वो के ई ई बाई आर, स्थिति ऊर्जा ये है। और इलेक्ट्रॉन जो है वो ऋणात्मक चार्ज है, माइनस का साइन, तो इस तरीके से ये स्थिति ऊर्जा माइनस के ई स्क्वायर बाई आर आ जाता है। अब कुल ऊर्जा टी प्लस वी, कुल ऊर्जा क्या हो जाती है? टी प्लस वी। तो यहाँ पे हमने ये मान रख लिया, यहाँ पे ये मान रख लिया एच कट स्क्वायर बाई 2mr स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बाई आर, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी दोनों के मान रख लिए। अब देखो परमाणु जो है उसके मूल ऊर्जा स्तर की ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है? न्यूनतम होती है। हम लोग मूल ऊर्जा स्तर की तो बात कर रहे हैं, अगर न्यूनतम होती है तो न्यूनतम और मैक्सिमम या मिनिमम और मैक्सिमम जब भी होता है तो वो एक कांस्टेंट होता है। जब इसका आर के रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव करोगे तो वो क्या होना चाहिए? ज़ीरो होना चाहिए। तो आर के रिस्पेक्ट में जब हम करेंगे तो इस टर्म में 1/r² है, तो ऊपर जाएगा तो माइनस का 2 आ जाएगा और आर की पावर 3 आ जाएगा। इसमें -1/r है तो -1/r का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? +1/r². इस तरीके से हमारे पास ये एक्सप्रेशन जो है वो आ जाता है। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे हमारे पास r की वैल्यू आ जाती है h कट स्क्वायर बाई के एम ई स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करने से आ जाएगी इजीली। इसको हम लोग a नॉट कांस्टेंट मानते हैं, और जिसका मान, जैसे h कट एक कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, m e सभी इसके अंदर जो है वो एक नियतांक वैल्यू रखते हैं। तो a नॉट इसको किसी अन्य नियतांक से लिख दिया जिसका मान 0.53 आंगस्ट्रॉन्ग आ जाता है। इसीलिए मिनिमम एनर्जी जो है, सॉरी r का जो न्यूनतम मान है वो a नॉट के
बराबर आ जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि परमाणु के न्यूनतम आकार की कोटि जो है वो आर्मस्ट्रांग की कोटि के बराबर होती है। बोर के परमाणु मॉडल सिद्धांत से भी परमाणु की यही विमा पाई गई है, यानी कि बोर का जो परमाणु मॉडल है उससे जब आर निकालते हैं वो भी आर्मस्ट्रांग की कोटि का आता है। अब इस मिनिमम एनर्जी की वैल्यू क्या है, जहाँ भी आर था वहाँ पर आप ए नोट रख दो, एच कट स्क्वायर टू एम ए नोट और के ई स्क्वायर बाई ए नोट, ठीक है, क्योंकि अपने लास्ट में जो ऊपर वाला किया था जहाँ पे भी अपना आर था वहाँ पे ए नोट कर दो। अब ए नोट का आपने मान रखेंगे, तो ए नोट का मान करके आप जब इसको सॉल्व करोगे ना, ए नोट का क्या मान है, ए नोट का मान है ये वाला एच कट स्क्वायर के एम ई स्क्वायर, यहाँ पे ए नोट स्क्वायर है, स्क्वायर करने से एच कट का पावर 4 बन जाएगा, तो नीचे एच कट स्क्वायर ही रहेगा। ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना, इसमें नीचे एच कट स्क्वायर है, ठीक है, तो नीचे एच कट स्क्वायर बचेगा और फिर ऊपर जो है वो के स्क्वायर एम स्क्वायर ई की पावर 4, तो के स्क्वायर एम एक एम से एम कैंसिल हो गया और ई की पावर 4 ये आ गया। अब ये वाली टर्म भी है, इसमें ए नोट का मान रखेंगे तो नीचे तो एच कट स्क्वायर बनेगा और ऊपर के स्क्वायर एम ई की पावर 4, तो यानी कि ये दो टर्म एक जैसी बनेगी, सिर्फ इसमें क्या है 2 रहेगा, तो आधे में से एक गया तो आधा ही बचेगा और माइनस का बचेगा, क्योंकि एक किसका है माइनस का, बाकी आप सिंपली सॉल्व करके देख लेना। अब इसका जो मान है मिनिमम एनर्जी का कि ये क्या होता है 1/4πε0, या फिर इसकी वैल्यू 9×10⁻⁹ होती है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और एच कट की वैल्यू, इस तरीके से सभी वैल्यू रखने पर जो मिनिमम एनर्जी है वो कितनी आती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है। इस प्रकार अनिश्चितता सिद्धांत से हाइड्रोजन परमाणु की मूल स्तर की ऊर्जा का आकलन जो होता है वो -13.6 आता है, और जो बोर का परमाणु सिद्धांत है उससे भी क्या होता है यही मान आता है, और ऋणात्मक जो निशान आया है वो क्या है, परमाणु के स्थायित्व को दिखाता है। तो इस प्रकार से बोर के परमाणु मॉडल से ये ग्राउंड स्टेट की एनर्जी जो है वो निकालते हैं, और हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को आप अप्लाई करके जब निकालते हैं तो दोनों मान एक जैसे प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है आवर्ती दोलक की मूल अवस्था ऊर्जा या ग्राउंड स्टेट एनर्जी। जो सरल आवर्ती दोलक होता है उसकी टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी px²/2m, ये k होता है, जैसे 1/2 पोटेंशियल एनर्जी जो है ना 1/2 kx², 1/2 kx², और k जो होता है वो होता है m ओमेगा स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला अपने पास आ जाता है काइनेटिक सॉरी टोटल एनर्जी का। तो अब हम लोग क्या कहते हैं कि आवृत्ति दोलक के अंदर हम लोग ये मान लेते हैं कि उसकी स्थिति और संवेग में जो न्यूनतम कम से कम अनिश्चितताएँ हैं वो डेल्टा एक्स और डेल्टा पी एक्स के बराबर है। तो ऊपर वाले फॉर्मूले में जहाँ भी एक्स है वहाँ डेल्टा एक्स और जहाँ भी पी है वहाँ डेल्टा पी लगा देते हैं। तो इस तरीके से ये एक्सप्रेशन जो है वो हमारे पास आ जाता है न्यूनतम स्तर की ऊर्जा। अब अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से क्या होता है, डेल्टा पी एक्स और डेल्टा एक्स इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एच कट बाई टू, एग्जैक्टली भी लिख देता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है, 1/2, और उसके बाद जैसे ये ई मिनिमम है, इसका मान ई मिनिमम इज इक्वल टू ये 1/2 जो फर्स्ट टर्म है इसमें 1/2, और डेल्टा पी का मान क्या रखेंगे, एच कट बाई टू बाई डेल्टा एक्स, एच कट बाई टू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा पी एक्स, जहाँ पी एक्स का स्क्वायर था ना वहाँ पे ये मान रखा है, तो यहाँ पे एच कट का स्क्वायर डेल्टा एक्स का भी स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब ये बन गया और 4 हो जाएगा ये 2 का स्क्वायर, तो 4 यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। उसके बाद में ये डेल्टा एक्स एज इट इज़ रखा है, ये 1/2 दोनों में बाहर निकाल लिया है। अब चूँकि ये ऊर्जा का न्यूनतम मान है तो ये एक्स के सापेक्ष में इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो 0 के बराबर आएगा, तो इसमें डेल्टा एक्स स्क्वायर है तो 2 माइनस का ऊपर आ जाएगा और पावर 3 बन जाएगी, और ये डायरेक्ट डिफरेंशिएशन होगा तो 2 डेल एक्स आ जाएगा इस तरीके से। फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो डेल्टा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एच कट ओवर 2m ओमेगा नॉट, ये हमारे पास आ जाता है। ये इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देख लेना अपनी कॉपी में, तो डेल्टा एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाता है, एच कट ओवर 2m ओमेगा नॉट। इसका मान जो है वो मिनिमम का जो एक्सप्रेशन है इसमें रखते हैं,
इसमें जब रखते हैं ई मिनिमम तो हमारे पास क्या आएगा, जैसे एच कट स्क्वायर और 4 और एम, तो एच कट स्क्वायर 4m और यहाँ पे डेल्टा एक्स स्क्वायर बट्टे में है तो एच कट 2m ओमेगा नॉट, फिर है m ओमेगा नॉट स्क्वायर, डेल्टा एक्स स्क्वायर का मान क्या है एच कट 2m ओमेगा नॉट। फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से एक एच रिमूव हो जाता है, इसको हमने इस तरीके से रिमूव कर दिया, एक एम जो है वो भी रिमूव हो जाएगा, तो क्या बचेगा एच कट ओमेगा नॉट बटे 2, ये बच गया। इधर भी जैसे एम ओमेगा नॉट स्क्वायर है तो नीचे क्या बचेगा एम ओमेगा नॉट स्क्वायर से ये नीचे वाला तो पूरा कैंसिल हो गया, ऊपर सिर्फ बचेगा ओमेगा नॉट और बटे में 2 बचेगा, तो ये और 1/2 ऑलरेडी आगे है तो ये जैसे जुड़ के 1 होएगा फिर वापस आधा, तो मिनिमम एनर्जी क्या आ जाती है 1/2 एच ओमेगा नॉट। और जैसे हम लोग क्वांटम में पढ़ते हैं सरल आवर्ती दोलक जो होता है उसकी जीरो पॉइंट एनर्जी बोलते हैं इसको, हाफ एच कट ओमेगा नॉट, ये जो है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो है या जीरो पॉइंट एनर्जी बोलते हैं, यानी कि इसका जो न्यूनतम ऊर्जा स्तर होता है उसकी जो ऊर्जा होती है वो जीरो नहीं होती, 1/2 एच कट ओमेगा नॉट होती है, ठीक है। तो ये हो गया, उसके बाद है नेचुरल विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। तो इसमें क्या कहना चाहता है, सिंपली इसमें ये कहना चाहता है कि अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट में है, तो ग्राउंड स्टेट क्या होती है या मूल अवस्था क्या होती है, वो एक स्थायी अवस्था होती है और वो मिनिमम एनर्जी वाली अवस्था होती है। मिनिमम एनर्जी वाली अवस्था स्थायी अवस्था जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो अनंत समय तक बना रहता है, यानी कि उसको स्थायी अवस्था से हटाना मतलब आसान नहीं है, बिना कुछ किए हम हटा नहीं सकते, वो वहाँ पे अनंत टाइम तक बना रहेगा। तो जैसे हमने ऊर्जा समय अनिश्चितता सिद्धांत है तो उसमें डेल्टा टी जो है वो इन्फिनिटी हो जाएगा, आयुकाल अनंत समय तक, तो डेल्टा ई जो है उसमें ऊर्जा में अनिश्चितता क्या हो जाएगी जीरो। ऊर्जा समय अनिश्चितता सिद्धांत से अगर समय में अनिश्चितता अनंत है तो ऊर्जा में अनिश्चितता जीरो, यानी कि मूल अवस्था की ऊर्जा जो है आप फाइनाइट तरीके से निकाल सकते हो, यथार्थता से निकाल सकते हो। कब निकाल सकते हो, जब हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड स्टेट में है, लेकिन जैसे ही वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है, एंड वी नो दैट इन एक्साइटेड स्टेट द टाइम पीरियड फॉर एन इलेक्ट्रॉन इज़ 10^-8 सेकेंड, यानी कि इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड स्टेट में होता है तो वहाँ उसका रहने का समय होता है 10^-8 सेकेंड, यानी कि तब समय में अनिश्चितता ये हो जाएगी, डेल्टा टी इज़ इक्वल टू 10^-8 सेकेंड। तो उस अवस्था में ऊर्जा में अनिश्चितता क्या हो जाएगी, एच कट ओवर 2 और 2×10^-8 सेकेंड, 2 तो अपना प्रिंसिपल वाला है, तो इस तरीके से हमारे पास ऊर्जा में अनिश्चितता ये आ जाती है। अगर ऊर्जा में अनिश्चितता आई है तो ये कौन सी ऊर्जा में अनिश्चितता है, एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी का ये क्या है विस्तार है, अनिश्चितता का मतलब है कि 3.3×10^-8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का विस्तार, इतनी चौड़ाई, ठीक है। तो परमाणु में जब एक इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो उत्सर्जित फोटोन में ये विस्तार पाया जाता है, जिसके कारण उसकी आवृत्ति में भी विस्तार होता है, क्योंकि डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या होता है एच डेल न्यू, तो डेल न्यू का मान यहाँ से आ जाएगा क्योंकि डेल ई हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, एच से आप उसको डिवाइड कर दो, तो ये डेल्टा न्यू जो है किसका विस्तार है, आवृत्ति का विस्तार है। परमाणु जो है परिणाम स्वरूप क्या होता है, उत्तेजित परमाणु जो है वो कभी भी एकल आवृत्ति के फोटोन उत्सर्जित नहीं करता, वो न्यू माइनस डेल्टा न्यू और न्यू प्लस डेल्टा न्यू के फोटोन जो है वो उत्सर्जित करता है। जैसे मतलब परमाणु कोई इलेक्ट्रॉन या जो कोई भी परमाणु एक्साइटेड स्टेट में जाता है और वहाँ से निकलता है, तो वहाँ से जब वो निकलता है तो उसकी एनर्जी का एक विस्तार रहता है, मीन्स ये और ये इसके बीच में जो एनर्जी गेप है इससे ज़्यादा और कम, ठीक है। इस तरह की तो जैसे उसकी ऊर्जा का विस्तार होगा, उसकी ऊर्जा में अनिश्चितता होगी, उसी तरीके से जो फोटोन एमिट होगा, यानी कि हायर एनर्जी लेवल से ग्राउंड स्टेट में जाने पर जो लाइट एमिट होगी, उस लाइट की जो वेवलेंथ या फ्रिक्वेंसी जो रहती है उस फ्रिक्वेंसी में भी अनसर्टेनिटी रहती है। ये ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली न्यू फ्रिक्वेंसी का बोल दे, कुछ फोटोन न्यू माइनस डेल्टा न्यू, कुछ फोटोन न्यू प्लस डेल्टा न्यू, क्योंकि ये एनर्जी जो गेप है
वो भी क्या है, डेल्टा ई। ठीक है, यानी कि ऊर्जा का विस्तार है इसके बीच में कहीं। तो इस तरीके से आवृत्ति का स्वाभाविक विस्तार होता है, वर्णक्रमीय रेखाओं का स्वाभाविक विस्तार होता है। आज का ये जो थ्योरी का टॉपिक था हमारा, ये इस यूनिट का लास्ट टॉपिक था, फर्स्ट यूनिट का। और इस तरीके से आज हम लोग फर्स्ट यूनिट जो है वो पूरी कवर करते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। आप इस यूनिट को पूरा अच्छे से पढ़ लेना, फिर भी कोई प्रॉब्लम रहे तो पूछ लेना, ठीक है। और उसके बाद हम लोग नई यूनिट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।